नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर में मैं हूं अनिल पांडे। आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक बहुत अमेरिका की बड़ी प्रतिष्ठित स्पीच है, एंड आई ए वुमेन। ये अमेरिका की एक ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, सोजॉर्नर ट्रुथ। उन्होंने ये स्पीच दी थी और इस स्पीच को स्लेवरी मतलब दास्ता के खिलाफ एक बड़े प्रभावशाली स्पीच के रूप में माना जाता है। तो सोजॉर्नर ट्रुथ का जो जीवन था वो दास्ता से घिरा हुआ था। कई बार इनको खरीदा गया, बेचा गया। शुरू का जो इनका जीवन था, आधा जीवन दूसरों की सेवा करने और दास्ता मतलब स्लेवरी में ही चला गया। इनकी कई शादियां हुई, शादी क्या हुई, ऐसे पुरुषों से इनके संपर्क रहे। इनके 13 संतानें हुई अलग अलग पिता के साथ। खैर, जब जीवन के दूसरे उत्तरार्ध में इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और अपना नाम बदल करके इन्होंने सोजॉर्नर ट्रुथ रख लिया, जो कि पहले इसाबेला बाम्प्री था। बचपन में इनका नाम था और बचपन से लेकर बड़े तक में, ईसाई धर्म अपनाने से लेकर के पहले तक नाम था इसाबेला बाम्प्री। खैर, अब हम आते हैं एंटी वुमेन के बारे में, थोड़ा सा परिचय दे दें। ये एक भाषण है, मतलब स्पीच है, जिसे इन्होंने 1851 में एक एक्रोन नामक जगह है, ओहियो, अमेरिका के ओहियो प्रांत में एक्रोन नामक जगह में एक सम्मेलन हुआ था महिलाओं का, और उसमें ब्लैक महिलाएं मतलब अश्वेत महिलाएं थी। उस पूरे स्पीच में इन्होंने उनकी आत्मा को जगाने का काम किया था और उनको ये बताने का मतलब इनका आह्वान किया था कि आपको भी वोटिंग, जो मताधिकार है, उसके लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब तक अमेरिका में विकसित तो नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका में तब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये जो ओहियो जगह है एक्रोन, ये अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। वहीं इस सम्मेलन का, उसके एक मतलब एक्रोन नामक जगह पर इसका आयोजन हुआ था। अब हम आते हैं इस स्पीच पर, जो कि सोजॉर्नर ट्रुथ ने उस सम्मेलन में दिया था। इसका टेक्स्ट है, शुरू का पहला पैराग्राफ है, वेल चिल्ड्रन, वेयर देयर इज सो मच रैकेट, देयर मस्ट बी समथिंग आउट ऑफ किल्टर। वेल चिल्ड्रन, देखिए यहाँ चिल्ड्रन करके संबोधित कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन वहाँ बच्चे नहीं हैं, वहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं का सम्मेलन है, बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन इनकी उम्र 50-60 साल से अधिक हो चुकी है। तो जब इस उम्र की महिलाएं अपने से नव युवतियों को संबोधित करती हैं, तो वो बच्चे कह सकते हैं उनको। तो इस तरह वेल चिल्ड्रन, अच्छा बच्चों, वेयर देयर इज सो मच रैकेट, जहाँ इतने सारे लोगों का ग्रुप बना हुआ है, गिरोह बना हुआ है, किसके, हम लोगों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, अश्वेतों के खिलाफ, विशेष रूप से ब्लैक महिलाओं के खिलाफ, देयर मस्ट बी समथिंग आउट ऑफ किल्टर, वहाँ कुछ तो गड़बड़ झाला होगा। आउट ऑफ किल्टर का मतलब कि जहाँ पूरी तरह से कोई चीज़ ठीक ना हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो, भले बाहर से लग रहा हो कि हाँ ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो हाँ, आई थिंक, नेक्स्ट है, आई थिंक दैट ट्रिक्स्ड द निग्रोज ऑफ साउथ एंड द वुमेन एट द नॉर्थ। मुझे लग रहा है कि जो निग्रोज, जो ब्लैक महिलाएं हैं, साउथ अमेरिका से लेके नॉर्थ तक, सबके खिलाफ ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऑल टॉकिंग अबाउट राइट, सब लोग बात करते हैं कि अधिकार मिलने चाहिए, द वाइट मैन विल बी इन ए फिक्स प्रिटिशन, और ये जो अधिकार मिलने की बात है, इस पर ये श्वेत लोग मतलब अंग्रेज लोग जो वहाँ राज कर रहे थे और लोगों को गुलाम बना रखा था वहाँ के लोगों को, वे लोग समस्या पर विचार कर रहे हैं और ठीक कर देंगे। बट व्हाट्स ऑल दिस ही आर टॉकिंग अबाउट, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन कह रहा है ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं ठीक होगा। अगला पैराग्राफ है, दैट मैन ओवर देयर सेज दैट वुमेन नीड टू बी हेल्प इन टू कैरिजेस एंड लिफ्टेड ओवर डिचेज एंड टू हैव द बेस्ट प्लेस एवरी वेयर। दैट मैन, ये वो आदमी कौन, ये जो अंग्रेज, ये जो सभ्य लोग हैं, जो श्वेत लोग हैं, ये कहते हैं कि महिलाओं को हमें, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए,
अगर वो गाड़ी में हैं, कहीं सफ़र में हम लोग चल रहे हैं, तो उनको जगह देनी चाहिए बैठने की। एंड लिफ्टेड टू वर्ड डिचेस, अगर उन्हें कोई समस्या हो, कहीं उनके साथ दिक्कत हो, तो उनकी हमें उनका उत्थान का प्रयास करना चाहिए। लिफ्टेड ओवर डिचेस, डिचेस मीन्स खाइयाँ, खाइयों से उठाना का मतलब यहाँ है कि समस्या हो तो उनको, समस्या हो तो उसका हमें समाधान करना चाहिए। एंड टू हैव द बेस्ट प्लेस एवरीवेयर, और इनके लिए हमें सब जगह एक सबसे अच्छी व्यवस्था, सबसे अच्छी जगह की, सबसे अच्छे व्यवहार की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन बट नोबडी एवर हेल्प्स मी इनटू कैरिजेस और ओवर मड पडल्स और गिव्स मी एनी बेस्ट प्लेस एंड एंटी वुमेन। नोबडी एवर हेल्प्स मी इनटू कैरिजेस, लेकिन देखिए जो इनके सिद्धांत हैं, जो कहते हैं कि महिलाओं की मदद करनी चाहिए गाड़ियों में कहीं का समय, मेरे साथ तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। नोबडी एवर हेल्प्स मी इनटू कैरिज, मैं जब गाड़ियों में चलती तो मेरी किसी ने मदद नहीं की, मुझे किसी ने जगह नहीं दी। और नोबडी और ओवर मड पडल्स, जब मैं कहीं अगर मुझे कोई समस्या है, देखिए मड पडल्स होते हैं जो गड्ढे बन जाते हैं सड़क पे या बाहर मिट्टी के, उसमें मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऊंची नीची जगह पर यहाँ ऊंची नीची जगह का मतलब है कि जो हमारे जीवन में जब समस्याएं होती या कोई मेरे साथ दिक्कत होती, तो इसमें किसी ने, किसी इन पुरुषों में से किसी ने मदद नहीं की जो कि अपनी महिलाओं के प्रति ऐसा सद्भावनापूर्ण भावनाएं रखते हैं। और गिव्स मी एनी बेस्ट प्लेस, और उन्होंने मुझे तो कोई बेस्ट प्लेस नहीं दिया, जैसा कि अपनी महिलाओं के कहते हैं कि नहीं महिलाओं को सबसे अच्छी व्यवस्था करनी, सबसे आसान जगह पर, सुविधाजनक पर उन्हें उनकी उनकी मदद करनी, मतलब उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड आई ए वुमेन, क्या मैं वुमेन नहीं हूँ, क्या मैं महिला नहीं हूँ, क्या उनकी महिलाओं के लिए ही ऐसा होना चाहिए, हमारे लिए नहीं होना चाहिए? मैं भी तो महिला हूँ, मेरे साथ भी तो ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए और आपके साथ भी होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। अगर कोई सिद्धांत है, कोई नीति है, तो सबको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लुक एट मी, अगली लाइन है, लुक एट मी और आई हैव प्लॉड एंड प्लांटेड। लुक एट मी, मेरी ओर देखो, लुक एट माई आर्म, मेरी बाहों की ओर देखो। आई हैव प्लॉड एंड प्लांटेड, मैंने खेत जोते हैं, एंड प्लांटेड, मैंने पौधे लगाए हैं, एंड गैदर्ड इन टू बार्न्स, और मैंने खलिहानों में उनको इकट्ठा करके फसलों को रखा है। एंड नो मैन कुड हिड मी, लेकिन मुझे तो किसी व्यक्ति ने मेरा ख्याल नहीं रखा, मैंने इतना सब किया है। एंड आई एम नॉट ए वुमेन, क्या मैं वुमेन नहीं हूँ, क्या मैं महिला नहीं हूँ? जो अपने उन्होंने सिद्धांत लागू किए, मेरे पास मुझे तो उसका कोई फायदा नहीं मिला। अब देखिए यहाँ जो ये कह रही, लुक एट मी, लुक एट माई आर्म, तो वो महिला जो सोजोर्नर ट्रुथ हैं, ऐसा बताते हैं कि लगभग 6 फीट लंबी थी और अपने अच्छी खासी तगड़ी महिला थी, लेकिन चूंकि दासत्व की जिंदगी जी रही थी, हमेशा आधी उम्र इनकी सिर्फ दूसरों की सेवा करने में लगा था, जो जिन लोगों ने इनको शरण दे रखी थी, जिन्होंने रख रखा था, सिर्फ उनके काम ही करती रही थी, तो कोई इन्हें महत्व नहीं मिला था इतना सब करने के बावजूद। अगला पैराग्राफ है, अगली लाइन्स हैं, आई कुड वर्क एज मच एंड ईट एज मच एज ए मैन, मैं जितना एक आदमी काम कर सकता है उतना काम कर सकती थी, और जितना एक आदमी खा सकता था उतना मैं खा सकती थी। When I could get it and bear the less, और यहाँ तक कि जैसे पुरुषों को कुछ गलती होने पर दंडित किया जाता था, उन पर कोड़े बरसाए जाते थे या चाबुक चलाई जाती थी, ऐसे मेरे ऊपर भी चलाई जाती थी और मैं भी उनको सहन करती थी, तब उन्होंने ये क्यों नहीं देखा? एंड आई नॉट एंड आई ए वुमेन, क्या मैं वुमेन नहीं थी, मेरे ऊपर ऐसा क्यों किया गया, मेरे साथ ऐसा अत्याचार क्यों हुआ, ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? एंड आई ए वुमेन, आई हैव बॉर्न ए 13 children, मेरी इस पिछली जिंदगी में अलग अलग 13 बच्चे हुए, एंड सीन मोस्ट ऑल सोल्ड ऑफ टू स्लेवरी, और 13 के 13 बच्चों में से ज़्यादातर को मुझे उनको स्लेवरी के लिए, दूसरों की गुलामी के लिए बेच देना पड़ा। मेरी ये स्थिति थी कि मैं उनका पालन पोषण नहीं कर सकती थी,
मेरे पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि मैं उन्हें अपने बल पर खिला पिला सकती, और मुझे उन्हें बेचना पड़ा, उन्हें भी, मैं तो स्लेवरी में जी रही थी दशरथ में, उन्हें भी बेचना पड़ा। एंड व्हेन आई क्राइड आउट माई मदर स्ट्रीट, और जब मैं अपनी माँ के दुख में रो रही थी, नन बट जेसस हर्ड मी, उस समय मेरी किसी ने नहीं सुनी। सुनी तो किसने? सिर्फ ईश्वर ने। उनका ईश्वर कौन है? जीसस। सिर्फ जीसस ने मेरी मेरी पीड़ा को, मेरे दर्द को सुना। क्या एंड आई एंड आई ए वुमन, क्या मैं महिला नहीं हूँ? मुझे सुविधाएं क्यों नहीं मिली? मुझे मेरे पास में कोई सांत्वना देने क्यों नहीं आया? मैं अकेले रो रही थी माँ के दुख में, माँ नहीं रह गई थी, मैं रो रही थी, लेकिन ना तो किसी ने मुझे सांत्वना दी, ना कोई मुझसे मिलने आया, सिर्फ ईश्वर ही था, ईश्वर ही साथ में, ईश्वर ने ही मेरा ख्याल रखा। एंड आई वुमन, क्या मैं महिला नहीं? अगली लाइन है, देन दे टॉक अबाउट दिस थिंग इन द हेड, और वो लोग कौन? दे टॉक, देखा मतलब यहाँ अंग्रेज लोग, ये ऊंची कौम के लोग जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, जो अपने आप को अच्छा मानते हैं, दे टॉक अबाउट दिस थिंग इन द हेड, वो ये चीज अपने दिमाग में ऐसी बात करते हैं, मतलब अपने मन में ऐसा ख्याल रखते हैं, क्या? व्हाट इज दिस दे कॉल इट अबाउट थिंग इन द हेड, वो किस बात की बात करते हैं? बुद्धि की, कहते हैं ना, देन दे टॉक अबाउट दिस थिंग इन द हेड, वे बुद्धि के बारे में बात करते हैं कि अरे इनकी बुद्धि नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। व्हाट दिस दे कॉल इट, ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो रिमेंबर ऑफ ऑडियंस विस्पर्स, उस समय सॉरी मेंबर ऑफ ऑडियंस विस्पर्स, जब ऐसा पूछते हैं कि जो जब सोजर्नर ट्रुथ ने ये प्रश्न किया उस पूरे सम्मेलन की महिलाओं के सामने कि वो जो बात है जो कहते हैं ना दिमाग में होती है, तो दिमाग में क्या होती है? तब जो वहाँ की जो सम्मेलन में महिलाएं भाग हिस्सा ले रही थी उनमें से आवाज़ निकलती है बुद्धि, तो उसी घटना को यहाँ दो लाइन में कहा गया, दैट्स इज हनी, अरे मेरी प्रिय मित्रों, प्रिय महिलाओं, व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद वुमेन्स राइट और निग्रोज राइट, इस बुद्धि का हमारे राइट्स से, हमारे अधिकार से, औरतों के अधिकार से या काले लोगों के अधिकार से क्या वास्ता है? उससे क्या मतलब है? बुद्धि जिसके कम हो तो ठीक है, जिसके ज़्यादा हो तो ठीक है, सबको मिलनी चाहिए ना, वो बुद्धि का तर्क ही क्यों लाते हैं? देन दे टॉक अबाउट दिस थिंग इन हिज हेड, व्हाई, व्हाट इज दिस दे कॉल, ऐसा क्यों कहते हैं? अरे भाई, अगली लाइन है, इफ माई कप वुड नॉट होल्ड बट ए पिंट, अगर मेरा जो कप है उसमें बहुत थोड़ा सा आता है, एक पिंट मतलब समझिए कि एक गैलन में एक आठवां हिस्सा, छोटे से कप जैसा उसमें पानी आता है, एंड योर्स होल्ड ए क्वार्ट, और आपका जो कप है उसमें एक चौथाई गैलन के बराबर पानी आता है, इतना ही तो है ना, जैसे आप बुद्धि की तुलना करना चाह रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ पर अगर आपके पास में ज़्यादा कोई चीज़ रखने की क्षमता है, मेरे पास कुछ कम रखने की क्षमता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वुड नॉट यू बी मीन नॉट टू लेट मी हैव माई लिटिल हाफ मेजरफुल, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे थोड़ा सा कुछ भी नहीं देंगे, मेरा मेरे पास में कम जगह है, मेरे पास में बर्तन मेरा छोटा है, तो क्या मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए? अगर मैं तो मुझे कुछ तो मिलना, जितना मेरे पास बर्तन उतना मुझे दो, जितना तुम्हारे पास बर्तन है उतना तुम रखो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे, आप कहते हैं इनकी बुद्धि नहीं है, तो कम बुद्धि तो है, तो कम बुद्धि के हिसाब से तो हमें महत्व मिलना चाहिए, खैर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगली लाइन है, देन दैट लिटिल मैन इन ब्लैक देयर, और वो तो रहे अंग्रेज, वो तो हैं श्वेत वाइट मैन, लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, देन दैट लिटिल मैन इन ब्लैक देयर, और वो जो एक ब्लैक आदमी यहाँ भी है, वो भी कहता है कि मतलब हमारे बीच में भी कुछ लोग हैं, ये जो ब्लैक से यहाँ मतलब है कि हमारे साथ के लोग, हमारे कौम के लोग या हमारे जैसे दिखने वाले लोग, ही सेज वुमेन कैन नॉट हैव एज मच राइट्स एज मैन, कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिल सकते, क्यों?
कॉज क्राइस्ट वाज नॉट अ वुमन, क्योंकि देखो जो गॉड है वो खुद पुरुष है, वो जो क्राइस्ट थे वो जीसस थे वो तो पुरुष है ना, महिला थोड़ी थे। इसलिए इस तर्क को आधार बना करके वो ब्लैक मैन जो हमारी जो कुछ कम्युनिटी के हमारे अश्वेत लोग हैं, काले लोग हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं पुरुषों को महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अरे क्यों नहीं मिलना चाहिए? वेयर डिड योर क्राइस्ट कम फ्रॉम, तुम्हारा वो भगवान आया कहाँ से था? हाँ महिला के अंदर से ही तो आया था, महिला ने ही। वेयर डिड योर क्राइस्ट कम फ्रॉम, कहाँ से आया? फ्रॉम गॉड, भगवान से आया। एंड ए वुमेन, सॉरी, वेयर डिड योर क्राइस्ट कम फ्रॉम, तुम्हारा भगवान कहाँ से आया? वेयर डिड योर क्राइस्ट कम फ्रॉम, कहाँ से आया? अरे फ्रॉम गॉड, वो जो आपका जो क्राइस्ट है वो गॉड से आया है। एंड ए वुमेन, और एक वुमेन से आया है। एक महिला और भगवान दोनों को मिलकर के, दोनों के साथ संपर्क होने पर ही, संबंध होने पर ही तो वो क्राइस्ट आया है। मैन हैड नथिंग टू डू विद हिम, वहां तो कोई आदमी था ही नहीं। कौन था? एक गॉड था और एक वुमेन थे। मतलब मैन तो वुमेन के बाद आया ना, गॉड के बाद वुमेन, वुमेन के बाद मैन। तो फिर अगली लाइन है, इफ द फर्स्ट वुमेन गॉड एवर मेड वाज स्ट्रांग एनफ टू टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन ऑल अलोन, अगर वो जो पहली महिला थी जिसने क्राइस्ट को जन्म दिया और क्राइस्ट से फिर पूरी दुनिया को क्राइस्ट ने रास्ता दिखाया, तो इफ द फर्स्ट वुमेन गॉड एवर मेड वाज स्ट्रांग एनफ, अगर इतना ताकतवर बनाया था उसको ईश्वर ने, उस पहली महिला को जो कि टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन ऑल अलोन, जो पूरे दुनिया को अकेले उलट पलट सकती थी, तो फिर दीज वुमेन टुगेदर आउट टू बी एबल टू टर्न इट बैक, ये जो महिलाएं हैं ये भी उन्हीं उसी महिला की ही तो वंशज हैं, ये भी पूरा उलट पलट कर सकती हैं। एंड गेट इट राइट साइड अप अगेन, और अगर इनको ऐसा करने दें, मतलब आप लोग ऐसा अब करो, तैयार हो जाओ। एंड नाउ दे आर आस्किंग टू डू इट, द मैन बेटर लेट देम, और अगर अब ऐसा करने के लिए वो कह रही हैं तो आदमी के लिए अच्छा है, बेहतर होगा कि वो उनको ऐसा करने दे। क्यों? क्योंकि ये पूरी सृष्टि महिलाओं और गॉड, महिला और गॉड की ही वंशज है, आदमी वहाँ कुछ नहीं था। इसी के साथ अगली लाइन, लास्ट लाइन कहती है, ओब्लाइज टू यू फॉर हियरिंग मी एंड नाउ ओल्ड सोजोर्नर एंड गॉट नथिंग मोर टू से, आप लोगों ने ओब्लाइज टू यू फॉर हियरिंग मी, मुझे आपने सुना, मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं बड़ी आभारी हूँ। एंड नाउ ओल्ड सोजोर्नर, और अब ये ओल्ड सोजोर्नर, ये बूढ़ी सोजोर्नर एंड गॉट नथिंग मोर टू से, इस बूढ़ी सोजोर्नर को अब आपसे कुछ भी नहीं कहना है, मतलब आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। और इसी के साथ उनका ये स्पीच समाप्त हो जाता है। थैंक यू।